Yes. <laughs> okay, so uh, okay. तैयारी चल रहा है okay. तो हम शुरू करेंगे अभी हाँ. बॉक्सिंग so, जैसे हम लोग नॉर्मल कोई भी गेम के लिए देखते हैं लाइक फुटबॉल हो स्विमिंग हो हाँ. लाइक उसके पहले एक नॉर्मल अप होता है हाँ. ये भी सेम हाँ, ही वही वही सेम है वही सेम ही होते हैं हर वार्मीअप जैसे फुटबॉल खेलने से पहले अप होता है वैसे ही बॉक्सिंग में भी बॉक्सिंग ट्रेनिंग से पहले हम बॉडी को वार्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना वार्म कर नहीं करेंगे तो इंजरी का चांसेस बहुत है तो इसलिए अप इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतना समय तक वार्म नहीं तो गर्मी का टाइम है तो हम लोग जैसा अभी दस मिनट का टाइम दिया है आठ मिनट में वार्म हम तैयारी हो जाएंगी और एक राउंड से दो मिला के दस मिनट का टाइम दिया है मैंने शुरू हुआ है ये प्रैक्टिस कितने हाँ। बजे तक चलेगा ये चार बजे तक चलेंगी चार बजे खत्म हो जाएगा बॉक्सिंग ट्रेनिंग और लेके सारे तक का पूरा कम्प्लीट खत्म हो तो एक चीज मैं पूछना था इस बारे में हाँ। कि नॉर्मल सवाल है हाँ। कि मैं सुनता हूँ कि हर चीज़ के अलग अलग डाइट होता है तो क्या इसके लिए अलग से कोई डाइट है हाँ खिलाड़ी लोग के लिए अलग सा डाइट होता है क्योंकि खिलाड़ी लोग को स्ट्रिक्टी ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते क्योंकि बिना डाइट के बिना डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है डे टू डे हम क्या खाना चाहिए ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग से पहले और ड्यूरिंग ऑफ सीजन से लेके सब आ, एक अच्छा अच्छा प्लान रखना चाहिए जैसे अभी हमारा बच्चे जो है अभी ट्वेंटी फर्स्ट से ये लोग का एक चल रहा है शुरू हो रहे हैं तो हम लोग अभी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल चीज़ें खिला रहे हैं नॉन वेज तो ऑलरेडी है तो ऑयली चीज़ें खाना और खास करके स्ट्रीट फूड में खाना खाना चीज़ें बीमार भी हो सकते हैं तो ये तो बच्चे सुनते हैं स्ट्रीट फूड फ़िलहाल न... अभी तक तो सुन रहे हैं बाकी हमारे पीस पीछे में होता है वो तो अलग बात है हमारे सामने तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं बच्चे तो और एक चीज़ बताना मुझे इधर लाइक जब बच्चे होते हैं स्पेशली जब यंग होता है ना हाँ। तो उसकी जुनून अलग होता है खून भी गर्म होता है हाँ। तो उस जुनून को आप एज ए टीचर कैसे हैंडल करते हैं बच्चे को हम पूरा तरीके से पकड़ के भी नहीं रख सकते सम टाइम एक एक कोर्स के हिसाब से एक बच्चे भी बनना पड़ता है लाइक बच्चे जैसा और लाइक सम टाइम्स एक कोच जैसा बिहेव भी करना है और लाइक like एक फादर जैसा एक मादर जैसा हर तरीके का रोल लेना बहुत जरूरी है एक कोर्स होने के नाते तो समटाइम्स बच्चे का दिमाग में हम साइकोलॉजिकली देखते हैं क्योंकि आज बच्चे में ट्रेनिंग में कैसा इंटरेस्ट है नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा जो करते हैं और गेम रखते हैं उससे थोड़ा माइंड खुल जाएंगे और उसके बाद ट्रेनिंग बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू होता है तो उसमें काफ़ी अच्छा होता है कई बार बच्चे जुर्म होते हैं तो मेंटली एकदम वीक हो जाता है कम, कमज़ोर हो जाता है तो हम आ, उसको आ, अलग तरीके से हम काउंसलिंग करते हैं और आ, हेल्प हमारा तरफ से पूरा कोशिश रहता है, है हेल्प करने के लिए अच्छा। बट आ, जैसे कि मान लीजिए अभी ये लोग हैं ठीक है इनको एक मौका मिल रहा है आपसे सीखने के लिए बट हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और बॉक्सिंग के बारे में कैसे पता लगा मैं एक सा गांव से हूँ मैं इम्फाल से थर्टी किलोमीटर जाके एक थवाल करके है थवाल से फिर तीन किलोमीटर पैदल जाके मेरा ट्रेन हाफ किलोमीटर पैदल जाके एक गाँव है हिल के पास में एकदम हिल बिल्कुल हिल के आ, नीचे में है तो बचपन में मैं स्पोर्ट्स बहुत पसंद करती हूँ स्पोर्ट्स क्या है मुझे मालूम नहीं है मेरा हमारा कोई अवेयरनेस नहीं है स्पोर्ट्स से क्या मिलता है स्पोर्ट्स से करियर बन सकता है और आगे तक बहुत नाम कमा सकता है इज्जत कमा सकता है कोई वो आइडिया नहीं था नॉलेज नहीं है लेकिन मैं एक गाँव का बच्चे होने के नाते इधर उधर भागना दौड़ना लड़का लोग के साथ खेलना ये चीज़ें मैं बहुत इंटरेस्ट लेती थी तो उस टाइम में हमारा मणिपुर में भी काफ़ी इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम भी था तो हमारा हिल के पास में है गांव घर तो हमेशा एक दिन में बहुत लोग आते थे खाना खाते थे तो बचपन में मुझे लगता था ऐसे ही वो लोग जैसा बनना है क्योंकि मेरा कोई गाइड करने वाला नहीं है मेरा पापा बचपन में गुजर गया मैं बारह साल के था तब गुज़र गया हम लोग आठ भाई बहन थे तो मैं सिक्स नंबर था तो उस तो, उस दौरान बहुत घर पे मम्मी एक हाउस वाइफ है एक पापा गुजरने के बाद एकदम अलग माहौल बन गया हमारा घर तो मुझे, मेरा दिल में कुछ बनने का तो था लेकिन क्या बनना है मुझे वो रास्ता पता नहीं था तो रोज़ वो देखते तो मुझे पसंद उ, उस जैसा काम करने का तो धीरे धीरे मैं ये लोग भी मेरे, मेरे को बहुत पसंद किया मैं बहुत एक्टिव था और हर रनिंग वगैरह हर काम में मैं एक्टिव रहते थे खेत में जाएंगे खेत काम भी अच्छा करते थे हिल में जाए तो लकड़ी काटना ये चीज़ें बहुत अच्छा करते थे मैं तो ये लोग मुझे धीरे धीरे मैं भी ये लोग के साथ बातें करना और थोड़ा थोड़ा हेल्प करना ये चीज़ें शुरू हो गया था उस दौरान मेरा बड़े भैया ने पता चल गया तो एक दिन बड़े भैया ने मुझे मारा बहुत बुरी तरह कि उस उस दौरान में तो क्या सही है क्या गलत है मुझे पता नहीं था तो मैंने पूरा एक हफ्ते खाना नहीं खाया घर पर तब जाके मैंने फिर इस्पोर्ट्स में ज्वाइन किया मेरा सेकेंड ब्रदर ने मुझे लेके गए टाइकुंदू खेलने और उसमें भी इतना मज़ा नहीं मिला मैं जो मेरा दिल से सिफाई से हो रही है काम करने से मुझे आग एक सुकून मिलता है दिन में जो नहीं मिल रहा था मैं टाइकुंतू के साथ साथ कोम्फू खेला और कोम्फू के बाद मैं बाई एक्सीडेंट में कोम्फू में मैं ऑलरेडी ताइकुंदू खेलते तो कोम्फू ज्वाइन करने में, में मेरा लेग का बहुत अच्छा इम्प्रोमें अच्छा चल रहा था और हाथ का इम्प्रोमेंट नहीं था तो मुझे हाथ का सीखना था तो बॉक्सिंग आ, मुझे बॉक्सिंग करने के लिए गए पहली बार मैं खुमलम पार्क जो है इम्फाल में है वो वहाँ पे गए थे साहार बम के पास फास्ट टाइम मैंने मेरा लाइफ में ज़िंदगी पहली बार मैंने बॉक्सिंग देखा उस दौरान बॉक्सिंग जो है एक लड़का स्पायरिंग कर रहे थे हैद गियर डाल के और गमची तीत डाल के रेड कलर का हैद था तो वो पसीना रेड रेड कलर का आ रहे थे मैंने अरे नहीं मुझे बॉक्सिंग नहीं करना बॉक्सिंग तो पसीना भी रेड कलर आता है नहीं करना है मुझे तो वही सोच के मैंने वापस आ गया किसी को नहीं बोला वापस आया फिर एक हफ्ते सोचने के बाद मैंने दोबारा बॉक्सिंग गया फिर बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो मेरा जो जो कमी था दिल में वो पूरा हो पाया तो फिर वो कंटिन्यूस मेरे बॉक्सिंग में रह गया वही भी धीरे धीरे मैं 2001 में फर्स्ट टाइम नेशन ने खेला चाइनाई में तो वहाँ पे मुझे गोल मिला उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप मेरा पहला पहला बार एशियन चैम्पियनशिप खेलने के लिए मैं थाईलैंड गया थाईलैंड जब मैं थाईलैंड में एयरपोर्ट से उतरा तो वहाँ का संसार देख के वहाँ का लोग देख के एक आ, मुझे लाइक ड्रीम लग रहा है सपना लग रहा था यह हकीकत में नहीं है जैसा लग रहा था फील हो रहा था तो वो कंपटीशन खेलने के बाद मैं फाइनल में हार गया था चाइना के साथ में सिल्वर मिला वापस आया और मेरा लाइफ पूरा ज़िंदगी चेंज हो गया बते क्योंकि बते। मैं स्पोर्ट्स हाँ स्पोर्ट्स एक ऐसा खेल है स्पोर्ट्स लाइफ में बहुत आगे जा सकता है और अपना सपना पूरा कर सकता है तो मैं कंटिन्यूस बॉक्सिंग में खेला लास्ट ट्वेंटी ईयर से मैं इंडिया के लिए खेला हर कम्पिटिशन में मैंने गोल लिया एशियन गेम्स कमल गेम्स काले ओलंपिक को छोड़ के और एशियान में कंटिन्यूसली अलग अलग वेद कैटेगरी में मैंने गोल लिया सिक्स uh, वेद कैटेगरी में तो काफ़ी अच्छा रहा जर्नी <laughs> हम सब चाहेंगे कि अभी आप ओलंपिक में जाओ ऑल्सो मेडल लेके आओ बट मेरा एक छोटा सा सवाल ये रहता है हर वक्त की हमारे जो सोसाइटी है हाँ। उसमें लड़कियों के लिए कुछ कुछ चीज़ नहीं होता है कि ये नहीं करना है वो नहीं करना तो अभी जब आपने शुरू की थी कभी ये सब चीज़ फेस करना पड़ा कि नहीं क्यों इसमें जा रहा है ये सेफ नहीं है लड़कियों के लिए ऐसा चीज़ें कभी फेस किया शुरुआत में हमारा एक बचपन में बहुत स्वता से मेरा पापा मामा है ना हाँ। गाँव का है लेकिन वो सोच नहीं रहता लड़का लड़की ये फ़र्क नहीं देखा है मैं बहुत लक्की हूँ खास करके मणिपुर में तो बहुत कम ये चीज़ें होता नहीं है लड़की और लड़का डिफरेंस बहुत कम देखते हैं यहाँ पे नहीं होता ये जो आ, है तो मणिपुर में तो आ, मेरा भाई बहन भाई, भाई लड़का से है तो दो लड़के हमेशा मैं लड़का लड़का के तरह रहते हैं भाई लोग का पेन भी पहनती हूँ तो आ, और जब भी कुछ भी काम है तो पापा हमेशा मेरे को विश्वास रखते थे और मेरे बेटी एक दिन मेरा नाम नाम रोशन करेगा तो वही हमेशा बोलते थे और शुरुआत पापा गुजरने के बाद मैंने जब स्पोर्ट्स में आया पेन पेन के जाना गांव से निकल के जाना पैदल दिन को मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग तीन बजे उठ के पैदल जाना और बस पकड़ के फिर इम्फाल तक जाना और ट्रेनिंग के लिए तो उस दौरान में रास्ते में काफ़ी बहुत से घटना तो हुआ है क्योंकि लड़की मेरे को हमेशा एक चीज सा वो रहता है गुस्सा रहता है क्यों क्योंकि जब भी मैं ट्रेनिंग के लिए पेन पहन के आते तो लड़की जितने भी पेन पहनो आखिरी किचन में ही आपका लाइफ हाँ। ज़िंदगी आतना है वो वो एक दिन ऐसे मेरे को सहरा था एक कुछ लड़कों लोग ने तो उस दिन से लेके मेरा दिन में है ना एक गुस्सा सा रहता था तो हाँ एक दिन मैं दिखाएगा आप लोग को लड़की क्या कर सकता है तो बहुत बार मैं मणिपुर के अंदर में भी मैं लड़का लोग के साथ भी फाइट किया है अच्छा। और बाहर में भी जैसे ट्रेन में भी बहुत लोगों के साथ फाइट किया है तो ये सब एक बॉक्सिंग का एक अलग वो है साइनिंग है क्योंकि हम अलग सा कॉन्फिडेंस देता है बॉक्सिंग में क्योंकि आ... बॉक्सिंग ऐसे गेम है और बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है बॉक्सिंग में तो एक हिम्मत होना चाहिए एक जिगर होना चाहिए बॉक्सिंग में मार खाने का और खिलाने का तो उससे बहुत कन्फिडेंस में हेल्प होता है पॉजिटिव रहने में हर तरीके का जो फाइट है हम फाइट कर सकता है तो आप आई थिंक एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि बहुत लोग ये सवाल रहता है मन में स्पेशली बीइंग अ फ़ीमेल कि शादी के बाद क्या मैं अपनी पैशन फॉलो कर सकती हूँ और, और मैं कैसे इसको आगे लेके जाऊँ तो यू आर आल्सो मैरिड यू आर आल्सो मैरिड एंड आल्सो अ मदर तो आप कैसे बैलेंस कर रहे हो ये आपके प्रोफेशन टीचिंग आई थिंक आप बहुत दिन बाहर भी रहना पड़ता है आपके काम के लिए बच्चे को छोड़ के घर कैसे संभाल ले रहे हो आ, ये एक ये है मेरे फैमिली के सपोर्ट भी बहुत जरूरी है एक लड़की अब तक शादी के बाद आ, आगे जाने जाना है तो तो और ऊपर से ख़ुद को भी मतलब एक होना जुनून होना चाहिए हाँ शादी के बाद भी मुझे कुछ कर सकता है आगे खेल सकता है नहीं बाकी जो गेम में नहीं है और बाकी काम करते हैं तो हमेशा एक अंदर से एक जुनून होना चाहिए मैं करना है तो मैं मैं 2012 में थर्टीन में मैं डिलीवरी हो गए थे तो एक्चुअली मेरा शादी अभी 11 साल कम्प्लीट हो गया तो 2013 में मेरा फास्ट मेरा बेटा हुआ है तो होने के बाद शादी से पहले कुछ लोग बोला अरे ये तो खिलाड़ी है बच्चा नहीं होगा ये चीज़ें तो होता रहता है अड़ोसी पड़ोसी में तो बोलते रहते वो कान से सुनो मत अपना काम सीधा करते रहो तो तो बोलते थे तो फिर मैं टू थाउजेंड थर्टीन मेरा पास टाइम नहीं था टू थाउजेंड अब तक टू थाउजेंड ट्वेल्व क्वालिफाइंग के बाद मैं टू थाउजेंड थर्टीन में मैं बच्चे है तो हो गया मेरा एक बेटा है तोमथिन करके उसका नाम तोमथिन है तो वो होने के बाद मैं मैं एक सर्जरी में हुआ था बच्चे भी तो बोलते थे अब नहीं आ गया और नहीं खेल पाएंगे तो मेरा मन में ये था मैं हमेशा रहते थे हाँ मैं कॉन्फिडेंस था मैं खेल पाऊँगी मैं कर पाऊँगी तो वही मेरा अंदर में चलते मैं थ्री मंथ्स हो गया कुछ लोग तो सर्जरी हुआ तो काफ़ी टाइम तक रेस भी लेते हैं तो मैं थ्री मंथ से मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया और मेरा हस्बैंड फुल सपोर्ट रहा मेरा एक बहुत लकी है मेरा हस्बैंड स्पोर्ट्स से पागल है तो स्पोर्ट्स के पीछे पागल है तो उस वजह से मैं मेरे को पूरा सपोर्ट मिला तो मैंने थ्री मंथ से धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज शुरू शुरू फिक्स से शुरू किया फिर उसके बाद मैं सिक्स मंथ्स हो गया तो मैं इंडिया केम में ज्वाइन किया और एट मंथ्स में मैंने कमल गेम्स में गोल्ड मिल ब्रॉन्ज मिल सिल्वर मिला फाइनल में मैं हार गया क्योंकि कमल गेम से पहले मेरा रिच्स में इंजरी हो गया जो ये जो सर्जरी हो रहा है ना तो इंजरी हो गया था दस दिन पहले जाने से पहले तो वहाँ पे बोला था फिजो ने एक छोटा सा एक मसल में इंजरी है तो उस वजह से मैं खेलने गया वहाँ पहुँचा तो तीन दिन के बाद मेरा बहुत है बहुत पेन होने लगे तो वहाँ पे किसी को हम बोल नहीं सकती क्योंकि शेयर नहीं कर सकती ये क्या अनफिट भी बोल सकते थे कंपिटिशन खेल नहीं तो मेरा मन में क्या चल रहा था मेरे दिमाग में क्या चल रहा था तो उस टाइम में मैंने एक छोटा सा बच्चे भी छोड़ के रखा है माँ का फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सब सेक्रीफाइस किया है ये गेम के लिए मुझे किसी भी हाल में मुझे गेम खेलना है और जितना है वही मेरा दिमाग में था वहाँ पर ग्लासगो में तो मैंने किसी को कंसर्न नहीं किया डॉक्टर ने वहाँ पे मैं बहुत प्यार वहाँ का एक डॉक्टर से मैंने दिखाया तो एमआरआई आर वहाँ पे गेम बेलेस के अंदर ही एमआरआई आर दिया आपका रिगामेंट टूट गया आपको सर्जरी करना पड़ेगा गेम छोड़ दो तो। अच्छा। अभी कंपिटिशन मत करो आपका इंडिया टीम का डॉक्टर बुलाओ करके मैंने किसी को नहीं बोला बोल नहीं सकते फिर मुझे खेलने नहीं मिलेगा ना तो फिर मैंने एक ओजिक्यू का हेल्प लिया ओलंपिक गोल्ड कोच जो है उसका हेल्प लिया फिर उसने एक फिजो को बात किया तो फ़िजो ने मुझे गाइड किया और खाने सुबह ट्रेनिंग से सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक पेन किलर फिर बाउट से पहले एक पेन किलर तो वो खा के मैं फॉर चार बाउट जिता और फ़ाइनल में मैं स्टेमिना ख़त्म हो गया पेन किलर कंटिन्यूस खाने की वजह से स्टेमिना ख़त्म हो गया तो उस वजह से मैं फ़ाइनल में मैं हार गया वैसे तो मैं गोल ले सकते थे तो वो पूरा लंबा पेन किलर खा के और पेन को सहना और ट्रेनिंग वो चीज़ें मैं थोड़ा फाइनल डे में मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था रिंग के अंदर ना तो मैं किसी भी हाल में तीन राउंड कंप्लीट करना है हार जीत का मेरा दिमाग में नहीं था मैं क्योंकि फर्स्ट राउंड में हार गया तो मेरा वेजती ही खत्म है मेरा वे <laughs> सब किसी अभी आज तक लाइफ में मैंने इतना लंबा बॉक्सिंग कर करने के टाइम में एक बार भी मैंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में हारा नहीं है मैं तो मुझे किसी भी हाल में कम्प्लीट करना है पूरा राउंड हार जी तो होता रहता है गेम है तो वही मैंने इज्जत बचाया और मैं फाइनल में हार गया मैं सिल्वर मेडल मिला फिर वापस आया फिर वापस आने के बाद एशियन गेम्स है टू मंथ के बाद तो वो कोरिया में जो हुआ इंसिडेंट तो मैंने उस दौरान फिर दिल्ली पहुंचते ही ओजिकी ने एम दोबारा लिया सब देखा और मुंबई में आया डॉक्टर वारिया करके उसे डिस्कस किया उसने बोला डॉक्टर ने आपको सर्जरी करना पड़ेगा तो मैंने बोला सर अब डॉक्टर आप हेल्प कीजिए मुझे किसी भी हाल में मैं एशियान गेम्स खेलना है और एशियन गेम्स तक खेलने के लिए आप मुझे हेल्प करो और उसके बाद जो भी सर्जरी है मैं करने के लिए तैयार हूँ तब तक मैं नहीं खेल करने वाला नहीं हूँ मैं खेलना है तो फिर डॉक्टर ने गाइड किया और फिजियोथेरेपी मेरा एक पर्सनल फिजो दिया ओलंपिक गोल्ड को इसने तो फिर वहाँ पे मैं ट्रेनिंग किया और मैं एशियन गेम्स खेला एशियन गेम्स में भी मेरा पूरा वो था कॉन्फिडेंस था और मैं गोल्ड मिलेंगी तो वो भी एक बहुत दूर स्ट्रगल के बाद बहुत चीज़ें करने के बाद मैं वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हो गया अच्छा। फाइनल में उस वजह से एशियन गेम्स में कंट्रोवर्सी बड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था ना तो मेडल वापस किया पहले तो मैं इतना नहीं सोचा था जिस दिन फाइनल जिस दिन मेडल लेने के लिए गया तो मुझे अंदर से एकदम दुखी बहुत अपना आंसू रुक नहीं रहा था तो अच्छा। मैं सोचा अरे इतना दुख हो रहा है तो मुझे क्यों मेडल लेना हाँ। तो मुझे पता है कुछ भी हो सकता है हाँ। तो कोई बया में नहीं लेगा मैं आ, ये गलत है तो बोलना जरूरी है कभी कभी खराबी होना बहुत ज़रूरी है हाँ। गलत हमारा ऊपर दबा दबा के जाना भी अच्छा बात नहीं है ना तो तो मैं खड़ा हुआ हाँ। पूरा एक साल मुझे बेल किया हाँ। दोबारा साल अच्छा। खेलने नहीं दिया मुझे बॉक्सिंग से आउट किया हाँ। फिर पूरा एक साल में सर्जरी हाँ। किया रिस्क का रेस लिया उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर ओजिकू ने हेल्प किया फिर ट्रेनिंग शुरू किया और ट्रेनिंग के बाद मैंने सेफ गेम में फिर दोबारा गोल लेके मैंने प्रूव किया मैं दोबारा कम कर सकता है जितने तो बॉक्सिंग से मैं बहुत प्यार करती हूँ तो बॉक्सिंग के बिना मैं नहीं रह सकते तो <laughs> इस वजह से मैं आज तक कंटिन्यू बहुत सारे लंबा जर्नी था काफ़ी लंबा जर्नी है काफ़ी प्रॉब्लम भी आया और बहुत बार टूटा भी था दिल टूटा था सब छोड़ सार के चला जाऊँ तो नेक्स्ट डे में जो बॉक्सिंग से इतना प्यार है कि वापस आने के ही मन करते थे तो फिर वापस आ जाते मैं आई <laughs> थिंक ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए सभी के लिए कि जितने बार भी हारो अगले दिन फिर उठ के वही चीज करना चाहिए मैं आपको भी ये चीज पूछना चाहता हूँ जैसे आप कह रहे थे कि हार जीत एक पार्ट होता है गेम का हाँ। आप भी बहुत बार किसी हाँ, ना किसी चाम हार चुके हो तो बट वो हारने के बाद अगले दिन सुबह क्या क्लिक होता है दिमाग में या क्या मोटिवेशन प्ले करता है कि नहीं मुझे करना है नहीं आ, अगली बार आ, ऐसे मुझे फील होता है और भी मेहनत करना है आ, जैसे आ, कई बार आ, मैं सही होते होते भी हारती हूँ अच्छा, तो उसको मतलब सबके सामने प्रूव करना है और मैं सही है आ, तो वही जोश मैं लेके जाती हूँ जितने भी तुम लोग मुझे दबाना चाहते हैं, मैं मैं कभी दबने वाले से नहीं नहीं। नहीं है, मैं उतके खेलने वाला तो तो वही करना था मेरे को और कुछ कुछ इससे बड़ा हो ही सकता, के अच्छा एक चीज बहुत लोग जिनको भी नहीं पता है कि मैम मेरा जो बेसिकली पॉडकास्ट रहता है ना, एंड इन दैट जिनको नहीं पता <laughs> आपको कि कैसा चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट का काम सी आई डी सुन के लोगों के मन में बहुत सारे <laughs> नहीं, नहीं। बहुत अच्छा हाँ. चल रहा है मेरा जो डिपार्टमेंट जो हाँ. पुलिस डिपार्टमेंट का जो वर्क है हाँ. और खास करके हमारा डिपार्टमेंट भी स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट हाँ. करता है तो उस वजह से आज तक मैं टू में मैंने पुलिस ज्वाइन किया था तो एसआई में अभी मैं एडिशनल एस पी हूँ तो अभी आ, मैं इस साल से मैंने पुलिस वाक का जो है मैं साथ किया है थोड़ा थोड़ा धीरा बाकी जो जो सेना ऑफिसर है उसका पीछे जाके जो ट्रेन सीख रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा अलग सा एक फील हुआ एक प्राउड भी फील होता है जैसे हम जो कर रहे हैं अपना देश के लिए अपना स्टेट के लिए तो बहुत अच्छा लगता लगता है तो अपना डिपार्टमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट का जॉब भी मुझे बहुत इंजॉय किया मैंने एक तो आप एडिशनल एस पी ऊपर से बॉक्सर आई थिंक ऐसे किसी का तो हिम्मत ही नहीं होगा ऐसे काम करने के लिए जिसे आपको फेस करना पड़े नहीं नहीं अभी फिलहाल डी ने भी मुझे बॉम्ब स्कॉट में भेजा है तो अच्छा, हर सुबह मुझे चेकिंग के लिए वी वगैरह में जाना पड़ता है हाँ। और बाकी टीम के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और सेम लाइक बॉक्सिंग में मैं इन्जॉय करती हूँ हाँ। वैसे ही मैं अपना जॉब में भी इन्जॉय करती हूँ तो टाइम भी बैलेंस कर रहे हो ना लाइक फैमिली लाइफ तो अब एक नंबर बैलेंस कर रहे हो वो मैं खुद आके देखा है और ये प्रोफेशन के साथ साथ अपनी बॉक्सिंग भी आप बैलेंस कर ले रहे हैं हाँ अभी फिलहाल बॉक्सिंग हम इवनिंग में बच्चे लोग का ट्रेनिंग में हेल्प करती हूँ और बाकी कोचेस भी है हमारे एकेडमी का और सुबह में जीती जाती हूँ और वापस आके फिर खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके और बच्चे के, के साथ शाम को फिर ट्रेनिंग हाँ। तो अच्छा मैनेज कर रहे <laughs> चलो देखते रहो बहुत सारे सवाल आगे आते रहेंगे विल सी यू सून